अमेठी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने किया गौशालाओं का निरीक्षण। जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने 3 गौशालाओं का किया निरीक्षण। जगदीशपुर ब्लॉक के लोशनपुर, गौरीगंज ब्लॉक के सराय हृदयशाह और अमेठी ब्लॉक के महमूदपुर गांव में बने अस्थायी गौशाला का किया गया निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर गौरीगंज ब्लॉक के ADO पंचायत को दी गई कड़ी चेतावनी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ लखनऊ से आए गौ सेवा आयोग के सदस्य भी रहे मौजूद। गौ सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम से गायों को गुड़ खिलाकर पहनाई माला। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। गीला होता था उधर साइड में बढ़ा कर हम बांधते थे, सूखा है। कितने हैं कुल? सब मिला कर छोटे बड़े मिला कर 36 है। 36 है, छह देने के क्या? खा रहे हैं कितनी स्थिति दी थी? 36 है आज, 2 सुपुर्द हुए हैं। 2 सुपुर्द की के जी 36 पहले से, तो 2 आज सुपुर्द हुए, 2 और नए आए हैं। उधर दो एक की टैगिंग नहीं हुई है। एक बोरा ले लीजिए। बोरा पर्याप्त आया है ना? 50 पर्याप्त है। तो बोरा आ गया तो फिर क्या, फिर आप व्यवस्था कर लीजिए उसके। नहीं साहब, और क्या हो जाए आधे हम हमें व्यवस्था मिला और कोई समस्या नहीं। हम वो वेतन तो आएगा, वेतन लगातार आ रहा, वेतन को और कोई समस्या नहीं साहब। कोई चोरी चमारी इस तरीके की समस्या किसी प्रकार की? गौशालाओं को निरीक्षण किया गया, क्या स्थिति है गौशालाओं की? माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये गौ संरक्षण के बारे में आज मेरे द्वारा गौ सेवा आयोग के जो आए हैं लखनऊ से, इनके साथ प्लस हमारा परिवार भी इसमें था, सम्मिलित था कि गायों को गुड़ खिलाया जाए। इसके क्रम में आज मैंने लोशनपुर जगदीशपुर ब्लॉक में, सराय हृदयशाह गौरगंज ब्लॉक में और अस्थायी गोबर शासन स्थल यहाँ महमूदपुर में इसका भ्रमण किया है। हर जगह स्थिति संतोषजनक है। अलाव जलाने की व्यवस्था से लेकर के जो चारा भूसा उससे उचित व्यवस्था पाई गई है और इन सब के मानदेय जो अभी बात हो रही है चौकीदार किन के वेतन के बारे में, इसके पेमेंट कर दिया गया है और संबंधित वीडियोस को उनको निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय के निर्देश द्वारा कि सबको तत्काल ही 1 महीने के अंदर सबका वेतन भुगतान कर दिया। कुछ कार्रवाई भी की गई है? हाँ, इसमें एक ADO पंचायत गौरीगंज के, इनके खिलाफ ये लिखा गया है कि वहाँ पर देख रेख उचित हिसाब से सेट अभी अंदर नहीं बन पाया था और जो चरही थे वो भी बाहर थे, उसको अंदर करने का निर्देश दिया गया था, उसमें विलम्ब हो रहा है, उसके बारे में उनको कड़ी चेतावनी दी गई है। इसको तत्काल अंदर करवाएं और संरक्षण के लिए हर काउ कोर्ट की व्यवस्था हर जगह कराई जाए।